गाइस आज है फ्राइडे, बहुत ही खूबसूरत दिन है और आज ठंड भी थोड़ी सी कम है और मैं अभी सो के उठी हूँ। 10:30 हो रहे हैं सुबह के और अब्दुल हादी स्कूल चला गया है, हस्बैंड काम पे चले गए हैं। अब्दुल्ला उसको फीवर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, रात उसको तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग यहाँ से, लेट्स गो। अनीजन अभी आपको तंग कर रही है, पीछे कंप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता और नाश्ते में मैं बनाने लगी हूँ देसी घी का पराठा। तो ये देखें मेरी स्पीड, चेक करें कि मैं कितनी तेज़ी से काम करती हूँ और आई वर्क लाइक अ सुपर वूमन। तो जल्दी जल्दी सुपर वूमन के हाथ से बन रहा है पराठा देसी घी का। आजकल मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को सुबह के टाइम पराठा, मतलब जब वो स्कूल नहीं जाते तो उनको पराठा खिलाऊँ, क्योंकि पराठा बच्चों के लिए जो है वो फुलफिलिंग है, बड़ों के लिए जो है वो फुलफिलिंग तो है लेकिन हेल्दी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि टू मच कैलोरीज होती हैं इसके अंदर। ये है, आप पराठे के जो है ना ऊपर और नीचे की जो क्रंचीज़ होते हैं ना वो खा सकते हैं, जैसे मैं खाती हूँ। जब मैं पराठा बना के रखती हूँ ना बच्चों के आगे तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के अंडे के साथ फिर खा जाती हूँ। और यहाँ पर मैंने बनाया है सूप, क्योंकि घर में नज़ला वज़ला चल रहा है, थोड़ा सा फ्लू वगैरह की सिचुएशन है, आपको पता है ठंड में तो ये चीज़ें आम हैं। तो फिर मैंने कहा चले सूप बना लेते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने चिकन कॉर्न सूप है जिसके अंदर कॉर्न जो हैं वो गायब हैं, क्योंकि कॉर्न मेरे पास थे नहीं और फिर मेरे पास वक्त भी नहीं था। तो मैंने एक मिनट में जो है वो अपना सूप बना लिया। सारे काम तो मैं एक ही मिनट में करती हूँ, मतलब टाइम तो जितना भी लगे लेकिन एक ही मिनट, इसलिए एक मिनट कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसकी जो यखनी है वो एक दिन पहले बना के रखी हुई थी फ्रिज के अंदर, और फिर उसके अंदर जब मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है और एग मिक्स किया है, तो जनाब एक ही मिनट में बनाना, तो फिर आप भी एक मिनट वाले काम किया करें। यखनी पहले से बना के फ्रिज के अंदर रखें और जब सूप बनाना हो तो आपका एक मिनट के अंदर सूप रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ कीमा, तो ये मेरा कीमा भी 2-3 मिनट के अंदर ही बन जाएगा। ये देखें यहाँ पे मेरे अनियन जो है वो ब्राउन हो गए में है और यहाँ पे ये मेरा कीमा अभी पक रहा था। खैर फिर मैंने इतनी ही वीडियो शेयर की है। गाइस टाइम हो रहा है 12:45 और यहाँ पे मैंने अब्दुल्ला को बना के दिया है सूप और सिलिकॉन सेंट्रल मॉल वी आर गोइंग टू सिलिकॉन सेंट्रल मॉल टुडे, क्योंकि वहाँ पे है पेट शो है वहाँ पे, और नॉट पेट शो, देयर इज अ ज़ू, स्मॉल ज़ू है वहाँ पे, वो पेट्स लाएंगे तो हम जाके पेट्स या अगर आप लोग भी दुबई में हैं तो आए सिलिकॉन सेंट्रल मॉल में, वहाँ पे पेट्स एनिमल ला रहे हैं और बच्चे इंजॉय करेंगे। और सिर्फ 3 दिन के लिए है ये, फ्राइडे सैटरडे और संडे को, मंडे को फिर नहीं होगा। तो अगर आप लोग दुबई में हैं तो सिलिकॉन सेंट्रल को विज़िट करें और वहाँ पे ज़बरदस्त ऑफर्स भी चल रही हैं और ये मिनी ज़ू भी ओपन होगा। तो चलें अब हम जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई करते हैं ताकि हम इवनिंग में जा सकें। Nabia, say hi to mommy. Baba, can't we just go from there? अभी सबकी टर्न आएगी ना, ये सब बाहर आ जाएंगे फिर हम लोग अंदर जाएंगे, ओके? तो गाइज यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेके चले गए थे बच्चों को सिलिकॉन सेंट्रल में, जहाँ पे मिनी जू है, ऑर्गेनाइज्ड है फॉर 3 डेज। तो ये लोग वहाँ गए और फिर मैं चली गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, हमारा था लेडीज डे आउट फ्राइडे को। और कल मैंने भी खूब हला गुला और ख़ूब इंजॉय किया है और मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में वो भी पूरी वीडियोस शेयर करूंगी। तो यहाँ पे बच्चों ने खूब इंजॉय किया, खूब जो है वो अपने जो परिंदे वरिंदे क्या कहेंगे ये जानवर ये डक्स हैं और रैबिट्स से बच्चे बहुत खुश थे, और अब्दुल हादी ने तो स्नेक भी उठाया है और ये वाला रैबिट बड़ा ही प्यारा है, ये तो हमारी पीछों की तरह लग रहा है, बहुत ही क्यूट है।
तो कल मैं भी गई हुई थी, JBR चली गई थी मैं, और आप लोगों के साथ वो मैं नेक्स्ट व्लॉग पूरा वो शेयर करूँगी। तो बिज़ी बिज़ी डे था, इस वजह से कल मैं व्लॉग भी नहीं शेयर कर सकी क्योंकि मैं बाहर थी, घर पे नहीं थी। और फिर मैंने कहा चले बच्चों से भी एक दिन ब्रेक होनी चाहिए क्योंकि हम माएँ भी तो थक जाती हैं और थोड़ी सी ब्रेक लेने तो इंसान फ्रेश हो जाता है। तो फिर कल सारा दिन मैं भी बाहर रही हूँ और ये बच्चे, मतलब हाफ़ डे मैं अपना बाहर घूमने फिरने चली गई और हाफ़ डे बच्चे जो है वो हस्बैंड के साथ थे। तो फिर बहुत मज़ा आया कल मुझे, क्योंकि कल भी ऐसे समझे वीकेंड था, फ्राइडे के पे रात को तो वीकेंड ही हो जाता है। तो बहुत रश था JBR पे भी और ब्लू वाटर्स पे मैं गई तो बोटिंग की और बहुत मज़ा आया। और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ को देख सकें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस शेयर करने वाली हूँ, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग्स शेयर करने लगी हूँ और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को देने वाली हूँ। और ये जो वीडियो है दिस इज़ मेड बाय माय हस्बैंड, तो वो इस वजह से जो है वो जो मेरा तरीक़ाकार है वीडियो बनाने का उस तरह से नहीं है। और अब्दुल हादी मेरा जो है ना वो बहुत डेयरिंग है, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने वीडियो तो नहीं भेजी, उन्होंने पिक्चर शेयर की थी, उसने स्नेक भी उठाया हुआ था। और ये देखें रैबिट का बिल्कुल मूड नहीं है कि अब्दुल हादी उसे उठाए, वो कह रहे बेटा खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरी जान छोड़ दो। तो जी ओ माई गॉड, ये कितना प्यारा टर्टल है, कितने आराम से वो बैठा हुआ है। मेरे पास भी टर्टल थे जब मैं इस्लामाबाद में थी और फिर सऊदीया में भी मैंने रखे हुए थे, लेकिन वो बेबी टर्टल थे, बिल्कुल आपके हाथ की हथेली से भी बिल्कुल, बल्कि हथेली तो बहुत बड़ी होती है, बिल्कुल छोटे से होते हैं। तो ये यहाँ पे अनाबिया मुझे मिस कर रही है और वो कह रही है मम्मी आप मुझे छोड़ के चली गई हैं लेकिन मैं आपको ये चिकन नगेट दे रही हूँ, तो मुझे मिस कर रही थी। जी एंड करती हूँ आज का ब्लॉग यहाँ पर, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह चलो चलें, लेट्स गो।